हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट करी एक बेहतरीन सीरीज इकोनॉमिक्स की आपके लिए, जिसमें हम क्लास 10th के सारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर लाइन वाइज खत्म कर रहे हैं। हमने दो चैप्टर खत्म कर लिए थे, अब मैं तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसमें टोटल हमें चार पॉइंट कवर करने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो है मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा, परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग, परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चौथा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। यही चार टॉपिक आ रहे हैं, हमें यही चार टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहले समझ लो इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी, जैसे तुमने मीनिंग सुना होगा कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, जो खिंचता है। इलास्टिक मतलब रबड़ बैंड, सुना होगा कि इलास्टिक रबड़ बैंड है यार। तो इलास्टिसिटी मतलब क्या, डिमांड भी इलास्टिक है, डिमांड भी खिंचती और कम होती है। हाँ, डिमांड खिंचती और कम होती है, डिपेंड्स कि क्या प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंजेस इन द डिमांड विद रिस्पेक्ट टू द चेंजेस इन द अदर वेरिएबल। अब वो प्राइस हो सकता है, वो इनकम हो सकता है, वो क्रॉस प्राइस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारे टॉपिक में आ रहा है प्राइस इलास्टिसिटी, हम कवर करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। तो लिखो फटाफट क्या होता है मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है, इट टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ द चेंज, इट टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। चेंज इन इट्स ओन प्राइस, ठीक है, कि क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आता है जब चीजों के दाम में चेंज आता है, है ना भाई। प्राइस बढ़ता है, डिमांड घटती है, प्राइस घटता है, डिमांड बढ़ती है, ये तो हमने पढ़ दिया था लॉ ऑफ डिमांड में। लेकिन कितना प्राइस बढ़ने पे कितनी डिमांड क्या बोलते हैं कम होगी, अब कितना प्राइस कम होने पे कितनी डिमांड ज्यादा होगी, ये चीजें इलास्टिसिटी का मैटर होता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, नथिंग बट द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द प्राइसेस। कौन से प्राइसेस, ओन प्राइसेस, ठीक है। चलिए भैया, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लो, इट मेजर्स द चेंज इन डिमांड, इट मेजर्स द चेंज इन डिमांड, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक। फॉर्मूला क्या निकल के आता है, तो फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड
टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि कितना परसेंट प्राइस में चेंज आएगा तो कितना परसेंट डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। अच्छा, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे। अगला टॉपिक है परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टॉपिक डालो परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे पास जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके पास परसेंटेज मेथड से प्रोपोर्शनेट मेथड कई सारे मेथड आ जाएंगे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे अलग अलग मेथड से आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस। ठीक, अब परसेंटेज चेंज इनको, परसेंटेज चेंज को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, परसेंटेज डेल्टा माने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल या फिर इनिशियल डिमांड इनटू 100, परसेंटेज निकालना है किसी का भी तो मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको बोलते हैं डेल्टा क्यू डी डिवाइडेड बाय क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड ओरिजिनल डिमांड या ओरिजिनल क्वांटिटी क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को इस तरीके से लिखा जा सकता है तो भाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस को भी ऐसे ही लिखा जा सकता है, चेंज इन प्राइस ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस, परसेंटेज निकाल ले तो मतलब 100। मैंने कहा भाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालोगे, डेल्टा प्राइस ऑन प्राइस इंटू 100 ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। अच्छा, यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो आगे देखो, मैंने कहा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को तुम ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, ये होगा 100, 100 कट गया, क्या बचा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड ठीक डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी अपॉन पी, ठीक ये इधर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन डेल्टा पी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक, अब इसको चाहे ऐसे लिखो और क्या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, तो दैट्स हाउ वी मेजर
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाया परसेंटेज मेथड। अब चलो इसका एक क्वेश्चन कर लो, नॉर्मल सा क्वेश्चन करो। जैसे मैंने कह दिया प्राइसेस दे दिए गए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, प्राइस क्वांटिटी डिमांड कि प्राइस 5 से 10 हो रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 5 हो रहे हैं। ओहो भाई, अब फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू। ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा। चलो भाई, ये हमारा हो गया इनिशियल प्राइस, ये हो गया हमारा फाइनल प्राइस, ये हो गया हमारी इनिशियल क्वांटिटी, ये हो गई हमारी फाइनल क्वांटिटी। चलो भाई, डेल्टा पी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा क्यू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। कि भाई फाइनल क्वांटिटी क्या थी, फाइनल प्राइस क्या था 10, इनिशियल प्राइस क्या था 5, कितना चेंज आ रहा है पॉजिटिव 5। ठीक, डेल्टा क्यू निकालो भाई, फाइनल क्वांटिटी कितनी थी 5 माइनस इनिशियल क्वांटिटी स्टार्टिंग में कितनी थी 10, आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव 5। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम, डेल्टा क्यू दैट इज माइनस 5 अपॉन डेल्टा पी क्या था 5 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनिशियल प्राइस 5 इनिशियल क्वांटिटी 5। भाई सब काट दो, क्या बच रहा है नेगेटिव 1, नेगेटिव 1 यानी क्या है, अब नेगेटिव क्या है, ये नेगेटिव साइन क्या रिलेशन शो करता है, इट शोज द नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन होता है, कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हमने ये मेथड निकाल लिया कि किस तरीके से हम परसेंटेज मेथड से प्राइस से परसेंटेज मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मेजर करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, पढ़ लिया पहला दूसरा, अब आएंगे हम लोग तीसरा टाइप्स। टाइप्स पढ़ने से पहले फैक्टर्स खत्म करते हैं, क्योंकि फैक्टर्स थोड़े से बड़े हैं, 6 फैक्टर्स हम लोग खत्म करेंगे जल्दी से। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज नंबर ऑफ यूजेस, क्या ऐसे रहने दो, एक एक करके कहो, ठीक, नंबर ऑफ यूजेस नहीं, पहले लिखो नेचर ऑफ कमोडिटी। अच्छा, नेचर ऑफ कमोडिटी कह रहा है कमोडिटी के नेचर के हिसाब से भी उसकी डिमांड इलास्टिक या इनइलास्टिक होती है। अब सपोज करो कोई चीज नेसेसिटीज है, जैसे फूड क्लोथिंग शेल्टर, तो क्या तुम उसकी डिमांड को स्ट्रेच कर सकते हो कि भाई ठीक है बाद में कंज्यूम कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है भाई, फूड तो चाहिए ही चाहिए भाई, उसकी डिमांड जैसी थी वैसी ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि दिन में खाना छोड़ दोगे, खाना तो खाओगे ही खाओगे। और अगर मैंने कहा लग्जरीज है, जैसे सपोज करो कार तुम्हें बाय करनी है लेकिन तुम्हारे पास अभी उतना पैसा नहीं, तो तुम क्या करोगे, ठीक है जब सस्ता होगा तब खरीद लेंगे यार, इतनी क्या जल्दी हो रखी है। तो एक तरफ डिमांड क्या है इलास्टिक क्या है, एक तरफ है इन इलास्टिक। कार के टाइम पे तुम अपनी डिमांड बढ़ा या घटा सकते हो कि प्राइस चेंज होगा तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन एक जगह तुम्हारी डिमांड बिल्कुल इलास्टिक नहीं है, इलास्टिक नहीं मतलब उसमें तुम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि वो नेसेसिटीज का पार्ट है। तो अगर मैंने कहा कि नेचर ऑफ कमोडिटी पे इलास्टिसिटी डिपेंड करती है, तो है यस, आंसर यस है कि अगर आपकी कमोडिटी नेसेसिटीज का पार्ट है, नेसेसिटीज मतलब प्राइमरी गुड्स जो प्राइमरी नीड्स को फुलफिल करती है, उस केस में जो आपकी डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी। इनइलास्टिक मतलब जितनी चाहिए उतनी चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस बढ़े या घटे, भाई फूड तो हमें कंज्यूम करना ही करना है। दूसरा होता है लग्जरीज। अब लग्जरी मतलब क्या हो गया भाई, आफ्टर कंज्यूमिंग आफ्टर हैविंग प्राइमरी नीड्स
फुलफिल्ड, ठीक है, आपकी प्राइमरी वॉन्ट्स फुलफिल हो गई, तब आपको कहोगे यार चलो अच्छा रोटी भी मिल गई, कपड़ा भी मिल गया, मकान भी मिल गया, अब करते हैं चलो यार एक बढ़िया सा घर हो जाए, एक छोटी सी गाड़ी हो जाती, घर में मार्बल के टाइल लग जाते, तो ये सारी चीजें सेकेंडरी नीड्स में आती है, ये सारी चीजें लग्जरी वॉन्ट्स को डिराइव करती है, ठीक है। अब लग्जरीज के साथ क्या है कि तुम्हें चाहिए ही चाहिए, तुरंत चाहिए ऐसा तो नहीं है, लग्जरीज का क्या है कि भाई जब प्राइस सस्ता होगा तो भाई खरीद लेंगे, तो लग्जरीज के साथ क्या है, इनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक, इलास्टिक मतलब चेंज होती रहती है, डिमांड बढ़ती घटती रहती है। कल को अगर देखो आईफोन सस्ता होगा तो सब खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि यार आईफोन खरीदने के चक्कर में तुमने खाना खाना छोड़ दिया है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं भाई, खाना तो खाओगे ही खाओगे, क्यों, क्योंकि जीने की बात है ना, तो ये नेसेसिटीज, तो नेचर ऑफ कमोडिटी दो तरीके से क्लासिफाई किया कि नेसेसिटीज है तो भाई हमारी डिमांड इन इलास्टिक है, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इन इलास्टिक मतलब चेंजेस ज्यादा नहीं कर सकते, और लग्जरीज है तो यार ठीक है इलास्टिक है, बाद में देखेंगे खिंच गई कम हो गई देख सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, मैंने बता दिया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, विच कैन बी प्लेस्ड, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, टी कॉफी कोलगेट पेप्सोडेंट, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो अगर मैंने कहा कि किसी कमोडिटी के क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, तो उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी भाई, चेंज होगी। सपोज करो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, क्लोज सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल, क्लोज सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोको कोला, ठीक। मैंने कहा पेप्सी अगर एक रुपए सस्ती हो गई या पेप्सी एक रुपए महंगी हो गई, पेप्सी के प्राइस बढ़ गए, तो क्या लोग पेप्सी कंज्यूम करेंगे? नहीं। तुम खुद पेप्सी कंज्यूम करोगे? नहीं। मैंने कहा पेप्सी के प्राइस एक रुपए भी बढ़ेंगे तो आदमी तुरंत कहेगा यार पेप्सी छोड़ो यार कोको कोला पी लेते हैं, ठीक है। तो एक तरफ क्या हो रहा है, पेप्सी के प्राइस बढ़ने से कोको कोला की डिमांड में चेंजेस आ गए, यहां क्या है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, इसलिए इनकी डिमांड क्या है, इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब जिसमें चेंजेस आ सकते हैं, ठीक। लेकिन यहां वो गुड्स जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, उस केस में सिनेरियो उल्टा है, जिनके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है वो क्या है, लेस इलास्टिक, इतनी इजिली आप उसमें चेंजेस नहीं करते हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो भाई तीसरे पॉइंट पे आओ, तीसरा पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ यूजेस। अच्छा, क्या कह रहे हो, नंबर ऑफ यूजेस से भी तुम इलास्टिसिटी डिफाइन करते हो? हाँ, मैंने कहा दो प्रोडक्ट उठाओ, एक तरफ उठा लो जैसे मिल्क, मिल्क से तुम क्या क्या बनाते हो भाई, तुम घी बनाते हो, कर्ड बनाते हो, स्वीट्स बनाते हो, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा एग्जांपल ले लो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि भाई तुम्हें हाउस होल्ड को भी चाहिए, फर्म्स को भी चाहिए, ठीक है, प्रोड्यूसर्स हो गए हमारे, सबको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट को भी चाहिए, डिपार्टमेंट्स को भी चाहिए, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी चाहिए, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी भी एक ऐसी चीज है जिसके कई सारे यूज। नाउ एक तरफ तुम रख लो मां के हाथों की चूड़ियां, बैंगल्स, अब इनका क्या इस्तेमाल है, कोई इस्तेमाल तो है नहीं, मतलब सिर्फ मम्मी को चाहिए और किसी को तो नहीं चाहिए, मम्मी इसको पहनती है, ठीक है, ये उनकी ज्वेलरी है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। तो अगर मैंने कहा कोई चीज के कई सारे यूजेस हैं, तो अगर इनके प्राइसेस में थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो क्या इनकी डिमांड में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा, कंपेयर टू दोज गुड्स जिनके नंबर ऑफ यूजेस कम है या लिमिटेड है, उन गुड्स की डिमांड में ज्यादा चेंजेस आता है जब प्राइसेस बढ़ते या घटते हैं। तो यहां पर क्या होगा, गुड्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क आर इलास्टिक, ठीक, दे विल बी इलास्टिक, इलास्टिक इन टर्म्स ऑफ हाई प्राइस इलास्टिसिटी में देखने को मिलता है कि प्राइस में चेंजेस आएगा, इनकी डिमांड तुरंत बढ़ेगी घटेगी, और इसमें क्या होगा, लेस इलास्टिक। क्लियर, क्लियर, चलो भाई आगे बढ़ो।
नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट मतलब कैन यू पोस्टपोन योर परचेज, पोस्टपोन करना मतलब क्या होता है कि टाल देना कि बाद में कंज्यूम कर लेंगे, तो गुड्स पे इंपैक्ट करता है कि अगर मैंने कहा कि लग्जरीज है फिर वही बात, पोस्टपोनमेंट की अगर बात आएगी तो अलग अलग तरीके के गुड्स, अगर मैंने कहा जैसे मेडिसिन उठा लो, किसी को मेडिसिन चाहिए तो मैंने कहा बाद में खरीद लेंगे जब सस्ती होगी, भले तुम आज मर जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। इस केस में क्या है कि मेडिसिन के प्राइस बढ़े या घटे, प्राइस में बढ़े या कम हो, क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। भाई आदमी बीमार है तो प्राइस चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, क्वांटिटी डिमांडेड वही रहेगी, डिमांड वही की वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैंने कहा कि कोई कंज्यूमेबल गुड नहीं है, ड्यूरेबल गुड है, जैसे टीवी, कंप्यूटर, ये सारी चीजें, रेडियो, ये उठा लिया, तो इसमें क्या है कि आप इसका यूज पोस्टपोन कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं भाई, जरूरी है कि आज ही टीवी लिए, जरूरी है कि आज ही कंप्यूटर लिया जाए, हो सकता है भाई अमेजोन बिग बिलियन डे पे सेल आएगी, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे सेल आएगी, जब सेल आएगी तब सस्ता होगा, जब सस्ता होगा तब खरीद लेंगे, ठीक। तो ये क्या होगा, इस केस में क्या है, हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, तो जिसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं उसकी डिमांड क्या है, इलास्टिक है, लेकिन जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, चाहिए ही चाहिए चाहे दाम बढ़े या घटे, तो इसकी डिमांड क्या है, लेस इलास्टिक है, ठीक है, लेस इलास्टिक और इनइलास्टिक, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, मेडिसिन के मामले में तो ये एकदम ही इनइलास्टिक होगी, क्लियर। चार पॉइंट हो गए, पांचवा पॉइंट आओ, हैबिट्स, पांचवा पॉइंट इज रिलेटेड टू द हैबिट्स। अब भाई दो चीजें होती हैं गुड्स भी, एक होते हैं हैबिचुअल गुड्स, एक होते हैं नॉन हैबिचुअल गुड्स। ऐसे सपोज करो सिगरेट है ना, अल्कोहल कितनी भी महंगी हो जाए, प्राइस कम हो जाए ज्यादा हो जाए, इनकी डिमांड वैसी ही रहने वाली है, क्यों, क्योंकि जिसको हैबिट लग गई वो तो कंज्यूम करेगा, भले ही उसके लिए उसको लड़ाई झगड़ा करना हो, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, भले ही एथिकल हो ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि हैबिट में आ गया है। इस केस में इनकी डिमांड क्या होगी, कंपेरेटिवली टू नॉन हैबिचुअल गुड्स लेस इलास्टिक, इनइलास्टिक होगी। यहां पर क्या होगा, नॉन हैबिचुअल, नॉन हैबिचुअल इलास्टिक, कि भाई प्राइस कम हुआ ज्यादा हुआ तब खरीद लेंगे। इसमें क्या है, प्राइस कम हो ज्यादा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तब भी उतना ही खरीदते थे भाई साहब, पहले भी उतनी पीते थे आज भी उतनी पीते हैं, क्यों, क्योंकि हम तो हो गए शराबी, ठीक है। हैबिचुअल प्रोडक्ट्स के साथ इलास्टिसिटी का कोई लेना देना है ही नहीं, प्राइस कम हो ज्यादा हो, कोविड आया तो सबसे पहले भाई इकोनॉमी संभालने वाले शराबी आए, क्या हुआ, दिल्ली में दुकानें खुल गई, लोग लाइन लगा के खड़े हो गए, यही तो हुआ था, ठीक है। सो यहां पर क्या है, हैबिचुअल प्रोडक्ट्स के साथ इन इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो इन इलास्टिक होती है, उसका प्राइस पे कोई इंपैक्ट, प्राइस का डिमांड पे इंपैक्ट कुछ खासा नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हैबिचुअल है, प्राइस बढ़े या घटे पीपल विल कंज्यूम दोज गुड्स, लेकिन नॉन हैबिचुअल के साथ ऐसा नहीं होता है। नॉन हैबिचुअल गुड्स प्राइमरी गुड्स, उसमें अब नॉन हैबिचुअल गुड्स में क्या है, आप चाहे लग्जरी डाल दीजिए, चाहे कंज्यूमेबल, चाहे ड्यूरेबल, कोई भी गुड्स डाल दीजिए, उनके साथ क्या है, प्राइस कम ज्यादा होंगे तभी खरीदे बेचे जाएंगे, तभी उनकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। इस केस में हैबिचुअल केस में कोई भी कंसेप्ट लेना देना नहीं है प्राइस का, क्योंकि लोग कंज्यूम करने वाले करेंगे अगर वो हैबिचुअल हो गए हैं, वेदर इट इज राइट और वेदर इट इज रॉन्ग, ठीक। आगे बढ़ो भाई, छठे पॉइंट पे आओ, प्राइस लेवल। अब भाई प्राइस लेवल भी एक तरीके से देखो क्या होता है, प्राइस लेवल कि कब इनइलास्टिक होगी और कब इलास्टिक होगी, तो प्राइस लेवल से क्या लेना देना। अब जैसे सपोज करिए मैंने कहा कोई भी गुड्स है जो एकदम ही हाई प्राइस पे बेचे जाते हैं या एकदम ही लो प्राइस पे बेचे जाते हैं,
हाई प्राइस पे मतलब क्या, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया भाई डायमंड, ठीक है, ये डायमंड हो गया हमारा। अब डायमंड का क्या सीन है कि बहुत ही एक्सट्रीम हाई प्राइसेस है, पहले भी हाई था आज भी हाई, ठीक। तो हमारी डिमांड वही की वही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्राइसेस डिमांड पे। या मैंने कहा एकदम ही लो प्राइस गुड्स हो गए, जैसे कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन्स, ठीक है, जैसे ज्वार, बाजरा। इस केस में क्या है कि इस केस में भी प्राइस का कुछ खासा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, प्राइस बढ़े या घटे इसका कंजम्पशन करने वाले इसका कंजम्पशन कर रहे हैं उतने ही है, लिमिटेड ही उतनी ही डिमांड है, ठीक। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट है जैसे मैंने कहा जो मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, जो मिडिल क्लास प्रोडक्ट कहलाते हैं, ना ज्यादा महंगे ना ज्यादा सस्ते, मिडिल क्लास कमोडिटीज, उस केस में क्या होगा, डिमांड जो होगी वो इलास्टिक होगी, जैसे टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, फ्रिज, ये सारे चीजों के साथ क्या होता है कि भाई प्राइस बढ़ता है डिमांड चेंज होती है, कम होती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड फिर चेंज होती है यानी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, जहां पर डिमांड में चेंज आ सकता है उसे हम इलास्टिक कहते हैं, जहां डिमांड में चेंजेस आना मुश्किल है या नहीं होता है उसे हम इन इलास्टिक कहते हैं, बस इतनी सी बात है। या इसी के बीच होता है कि भाई इलास्टिक, लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक, बात खत्म। ये हो गए हमारे पांच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, छह हो गए, ठीक। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स। चलो भाई, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत आसान सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी देखेंगे। एक तो हमने पढ़ ली है, पहली होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरी होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरी होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है फर्क? अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने क्या पढ़ा कि व्हेन देयर इज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिव चेंज टू द क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन प्राइसेस, वो होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब जब डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो कंज्यूमर की इनकम की वजह से आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? इसका फॉर्मूला बन जाता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम को हम लोग इकोनॉमिक्स में वाई बोलते हैं, ठीक है, इनकम। अब इनकम बढ़ रही है तो कंज्यूमर की डिमांड बढ़ रही है, इनकम घट रही है तो कंज्यूमर की डिमांड घट रही है। ये कुछ गुड्स में अलग अलग करती है, अलग अलग तरीके से चलती है, तो ये तीन तरीके से क्लासिफाई भी की गई है। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव इनकम, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा जीरो। तो जीरो मतलब क्या हो गया, इन इलास्टिक, कि इनकम बढ़े या घटे कोई मतलब नहीं भाई। मैच बॉक्स क्या होता है भाई, माचिस का डिब्बा। मैंने कहा तुम अगर ज्यादा कमाने लगोगे तो क्या ज्यादा माचिस यूज करने लगोगे? ऐसा तो होगा नहीं, तो तुम्हारी इन, और कम कमाओगे तो भी नहीं ऐसे कि माचिस का यूज बंद कर दोगे भाई, जितना लगता है उतना ही लगेगा, ठीक। नमक ऐसा नहीं, ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा खाने लगोगे, कम कमाओगे तो नमक कम कर दोगे, नमक भाई जितना लगता है उतना ही लगेगा, ठीक। तो इसमें जीरो है। पॉजिटिव और नेगेटिव इनकम का हिसाब सुन लो क्या होता है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब होती है कि जब क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है इनकम के बढ़ने से और घट रही है इनकम के घटने से। इस केस में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम और डिमांड का, ठीक है, कि भाई इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ गई, इनकम घटी तो डिमांड घट गई। ये होता है नॉर्मल गुड्स के साथ, किसके साथ होता है, नॉर्मल गुड्स के साथ।
दूसरा होता है हमारा नेगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव इलास्टिसिटी क्या होता है भाई साहब, कि क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है प्राइस के कम, प्राइस कह रहे हैं नेगेटिव क्या, इनकम बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। ऐसा कब होता है कि तुम्हारी कमाई बढ़ी और तुम्हारी क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, जब तुम इंफीरियर गुड्स की बात करते हो, गिफेन गुड्स। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि आदमी की जब कमाई बढ़ जाती है तो वो इंफीरियर गुड्स को छोड़ के अपना कंजम्पशन नॉर्मल गुड्स की तरफ कर लेता है। इस केस में क्या होता है कि इनकम का इंपैक्ट नेगेटिव हो रहा होता है, कि इनकम बढ़ रही है लेकिन डिमांड घट रही है, ये हो गया हमारा नेगेटिव। और आखिरी होता है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है भाई, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड बी, कि गुड बी के दाम में चेंजेस आने से गुड ए के दाम की, गुड ए की क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है। एग्जाम्पल कि कॉफी के प्राइस में अगर कमी आती है तो टी की डिमांड जो होती है, क्वांटिटी डिमांड, वो कम हो जाती है। कि कॉफी के प्राइस कम हुए तो टी की डिमांड क्यों कम हो गई, टी की डिमांड से क्या लेना देना, क्योंकि ये दोनों क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि एक गुड के दाम के चेंज होने से दूसरे गुड की क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं। ये हो गया हमारा क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसमें और कुछ है, वही सेम पॉजिटिव नेगेटिव। और अब क्रॉस इलास्टिसिटी भी तीन तरीके से क्लासिफाई कर दी गई है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। जीरो मतलब कोई चेंज नहीं इन इलास्टिक। ठीक, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस में होता है, सब्स्टिट्यूट। क्या होगा कि जब दोनों, एक भी गुड के दाम में चेंज आए तो दूसरे गुड के भी क्वांटिटी में सेम चेंज आए। कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं कॉफी के तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है टी की, प्राइस घट रहे हैं कॉफी के तो क्वांटिटी डिमांड घट रही है टी की। एक गुड के प्राइसेस में जैसा चेंज आता है वैसे ही दूसरे गुड की डिमांड में आता है। प्राइस बढ़े एक गुड के तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ी एक गुड की, प्राइस घटे तो क्वांटिटी डिमांड घटी। इसे कहते हैं पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या नेगेटिव होता है, कि भाई कार पेट्रोल, एग्जांपल लो भाई, पेट्रोल के प्राइस बढ़े तो कार की डिमांड कम हो गई, पेट्रोल के प्राइस कम हुए तो कार की डिमांड बढ़ गई। एक के प्राइस बढ़ रहे हैं तो एक की डिमांड कम हो रही है, एक के प्राइस कम हो रहे हैं तो एक की डिमांड ज्यादा हो रही है, ये होता है नेगेटिव। तीसरा होता है जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे गुड्स में कोई भी चेंज आ रहा हो, कोई रिलेशन ही नहीं है। जीरो कब होता है, जब कोई रिलेटेड गुड्स हो ही ना। अब सपोज करो मैंने कहा कपड़े के दाम का चश्मे के दाम से कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं, तो इस केस में भाई क्या है कि भाई प्राइस बढ़े घटे इसकी डिमांड वही की वही रहेगी, भाई जितने थे उतने ही रहेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।